هُوَ رَمَضَانُ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ السَّلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلاةُ وَالسَّلامُ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ वो मनसार अला नहज ही वस्ताब सुन्नति ही एलायदीन बाज महतरम नादरी इंसान इस दुनिया में रहते हुए बहुत सारे आमाल सालिया करता है और बहुत सारे नेकमाल करता है लेकिन उन नेकमाल को एक इंसान चंद सेकंड में दाए और बर्बाद कर देता है जैसे यही अभी रमज़ान का महीना जो चल रहा है हमारे कितने भाई कितनी बहनें जो नवाफिल का एहतमाम नमाज तरावी का अहतमाम घरों में कसरत से क़ुरान करीम की तलावत का अहतमाम है करते हैं या करती हैं और इतना लंबा वक्त सर्फ़ करती हैं या करते हैं लेकिन चंद मिनट में चंद सेकंड में अपने इस अमल को ज़ाये कर लेते हैं वो अमल बर्बाद हो जाता है अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं होता है वजह क्या रियाकारी मिसाल के तौर पर एक इंसान है जिसने अब तक दो बार कुरान खत्म कर लिया तलावत कर ली एक भाई है जिसने तीन बार कुरान करीम ख़त्म कर लिया तिलावत करके अब उससे रहा नहीं जाता है वो फ़ोन करता है या किसी दोस्त का फ़ोन आता है या सहेली का फ़ोन आता है बातचीत होती है हाँ मैं तो दो बार तो कुरान ख़त्म कर चुकी हूँ और अभी तीसरी बार शुरू करने वाली हूँ या ये है कि मैं दो बार कुरान खत्म कर चुका हूँ तीसरी बार कुरान शुरू किया हूँ और इरादा है कि ये अशर अखीर में ताक रातों में मैं एक कुरान और ख़त्म करूँगा या करूँगी तो ये अमल क्या है ऐसा कहने से ढोरा पीटने से ये इस अमल के अंदर रियाकारी आ जाती है और दिखावे का दरवाज़ा खुल जाता है जो शैतान इसके पीछे लगा रहता है कि इंसान लंबी इबादत करे लंबा वक्त खर्च करे लेकिन मिनटों में ये अमल ज़ाये हो जाए क्योंकि उसके अंदर रियाकारी आ गई तो इस किस्म का ढढोरा इंसान को पीटते हुए नहीं रहना चाहिए दलील सही मुस्लिम इमारा बाबो मुनकली रियाई वसुमा हदीस नंबर फ़ाइव जीरो थ्री टू पाँच हज़ार बत्तीस रवि हदीस अब तु हैं फरमाते हैं कि मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आप फरमा रहे थे कि कियामत के रोज़ सबसे पहला शख्स जिसके खिलाफ़ फैसला आएगा फ़ैसला होगा वो इंसान वो इंसान होगा जो अल्लाह के रास्ते में शहीद कर दिया हो गया होगा ये शहीद इंसान अल्लाह ताला के पास लाया जाएगा अल्लाह ताला उसे अपनी नेमतें पहचानवा पहचान करवाएगा वो उसे पहचान लेगा नेमत क्या सेहत व तंदुरुस्ती से अल्लाह ताला ने इसे नवाजा था सेहतमंद था तंदुरुस्त था उसे पहचानेगा अल्लाह ताला पूछेगा तूने इसके साथ क्या किया वो कहेगा कि अल्लाह ताला मैंने तेरे रास्ते में कताल किया तेरे रास्ते में मैं जिहाद किया हती कि मैं शहीद कर दिया गया सेहत तो व तंदुरुस्ती की नेमत मुझे दी गई थी तो मैंने उस सेहत तो तंदुरुस्ती को तेरी राह में लगाया और तेरे रास्ते में कताल किया नौबत यहाँ तक आ गई कि मुझे शहीद कर दिया गया जान दे दी दी हुई उसकी थी हक तो यह है कि हक अदा ना हुआ इसका दावा करेगा इंसान कि मैंने अपनी जान को तेरी रास्ते में लुटा दिया अल्लाह ताला कहेगा कजिब तू झूठा है तूने कताल इसलिए किया था अल्लाह के रास्ते में लड़ा इसलिए था ले युकाल जरी ताकि ये कहा जाए कि बड़ा बहादुर इंसान है तो उस तुझे वो चीज कही गई यानी दुनिया के अंदर जिस चर्चे का जिस शोहरत का खाहा था वो चीज़ तुझे दुनिया के अंदर मिल गई शोहरत मिल गई फिर अल्लाह ताला का हुक्म होगा कि चेहरे के बल इसे घटी घसीटा जाए और चेहरे के बल घसीटते हुए इसे जहन्नम में डाल दिया जाएगा दूसरा इंसान जो अल्लाह ताला के सामने लाया जाएगा जिसने इल्म हासिल किया होगा इल्म सिखाया होगा कुरान करीम को पढ़ा होगा अल्लाह उसे भी अपनी नेमतें पहचान करवाएगा कि कितने ऐसे लोग थे जो इस इल्म से महरूम थे कितने ऐसे लोग थे जिनके पास जिनको कुरान करीम पढ़ना नहीं आता था लेकिन तुझे ये सब चीज़ें की दी गई तो तूने क्या किया वो इंसान इन नेमतों को पहचानेगा उसका एतराफ़ करेगा और कहेगा अल्लाह ताला मैंने इल्म हासिल किया दूसरों को सिखाया कुरान करीम को मैंने पढ़ा भी क़ुरान करीम की तालीम को मैंने आम भी किया अल्लाह ताला कहेगा तूने इल्म सीखा और सिखाया ताकि तुझे आलिम कहा जाए क़ुरान करीम को पढ़ा पढ़ाया तेरा मशगला यही था क़ुरान करीम का पढ़ना पढ़ाना इसलिए कि तुझे कारी कहा गए कहा जाए और तुझे वो चीज़ कही गई दुनिया के अंदर वो चीज़ मिल गई आज देखिए कितने लोग ऐसे होते हैं कि अल्लाह ताला ज़ुबान की ताकत भी होता है बहुत अच्छी तकरीरें करते हैं स्पीच देते हैं लेकिन अगर नीयत के अंदर फतूर हो कि उन्हें शहरत इससे हासिल हो लोगों के दरमियान फेमस हो जाए शहरत तलबी अगर हो तो जाहिर सी बात है कि नीयत के अंदर फतूर आ गया और नीयत के अंदर फतूर आने पर रियाकारी दाखिल होने पर इंसान के लिए खैर नहीं है तो बहरहाल रियाकारी मकसद थी कुरान करीम पढ़ने की इल्म सीखने और सिखाने की अल्लाह ताला कहेगा तू झूठा है तूने ये सब अमल इसलिए किया था ताकि तुझे आलिम कहा जाए तुझे कुरान का पढ़ने वाला कहा जाए वो चीज़ तुझे दुनिया के अंदर मिल गई फिर अल्लाह का हुक्म होगा कि चेहरे के बल घसीटा जाए और नौबत यहाँ तक कि आएगी कि चेहरे के बल घसीटते हुए जहन्नम में डाल दिया जाएगा तीसरा इंसान वह आएगा जिसके ऊपर अल्लाह ताला ने माल की फरावानी की होगी मुख्तलिफ किस्म के माल जायदाद से अल्लाह ताला ने उसे नवाजा होगा अल्लाह ताला इन नेमतों को पहचानवाएगा, वो इंसान इन नेमतों को पहचानेगा उसका अतराफ़ करेगा और कहेगा ए परवरदार आलम जिस तरीके से तूने मुझे माल दिया था तो जो भी कार जिसे तू पसंद करता था कि उस रास्ते में तेरे दिए हुए माल को ख़र्च किया जाए तो ऐ परवरदिगार आलम तेरे दिए हुए माल को मैंने वहाँ पे खर्च किया यानी ये अल्लाह ताला से कहेगा कि मैंने खर्च किया जैसे तूने मुझे बिला हिसाब माल जायदाद से नवाजा था उस माल को तेरे हर उस राह में जिसे तू चाहता था पसंद करता था कि खर्च किया जाए मैंने खर्च किया बिला दरे खर्च किया अल्लाह ताला कहेगा कि तू भी झूठा है तूने ये अमल इसलिए किया था ताकि लोगों में ये चर्चा हो जाए कि फ़ला इंसान बड़ा ही देन दाता है बड़ा सखी है बड़ा फयाज है तो तुझे वो चीज़ कही गई दुनिया के अंदर जिस शोहरत का जिस फेमस होने का खाना था वो चीज़ तुझे दुनिया के अंदर मिल गई अल्लाह का हुक्म होगा कि चेहरे के बल घसीटा जाए और चेहरे के बल घसीटते हुए इंसान को जहन्नम में डाल दिया जाएगा अब आप गौर कीजिए कि ये तीनों लोग थे तीनों के काम बड़े निराले थे बड़े उम्दा थे एक शहीद इंसान था एक मालदार इंसान था एक कुरान सुन्नत का इल्म हासिल करने वाला कुरान को पढ़ने पढ़ाना वाला इंसान था तीनों के आमाल बड़े अच्छे थे लेकिन इसके बावजूद जहन्नम रसीद तीनों के तीनों क्यों हुए उनके अमल रायगा क्यों हो गए अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल क्यों नहीं हुए वजह ये थी कि उस अमल के अंदर रियाकारी पाई गई जिसकी वजह से वो अमल बर्बाद हो गया और बर्बाद ही नहीं उसके पादाश में इनको जहन्नम रसीद होना पड़ा तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप भी इस तरह के जुमले कह करके अपने अमल को बर्बाद ना करें क्योंकि इससे उस अमल में रिया और दिखावे का दरिया व नमूद का दरवाज़ा खुलता है जो शैतान इस सिलसिले में बड़ा हरीस होता है इसलिए आप कुरान कसरत से पढ़ें तरावी की नमाज पढ़ें नवाफिल का अहमाम करें सदका व खैरात का अहतमाम करें लेकिन जुबान से इसका इजहार करते हुए न चलें तुम चंदो नो क्या खैर फाउंडेशन आइए हमारे साथ जुड़ें और खैर को आम करें